लिखेगा कि माननीय विधायक भूषण बाड़ा जी। सुदूर क्षेत्र की महिलाएं भी दिखा रही है उत्साह। हमारे भी की ओर से हो और अपनी खुशियां प्रदर्शित करें, अपने हाथों में अपनी तख्तियों को उठाकर एक बार सभी एक साथ अपनी तख्तियों व्यक्त कीजिए। ये तमाम योजनाओं का लाभ आप सभी तक सीधे रूप से पहुंच रहा है, लाभान्वित हो रहे हैं सुदूर क्षेत्रों के ग्रामीण। मैं परमिला क्रिकेटा, ग्राम बेलगढ़, पोस्ट जोगबहार, जिला सिमडेगा से मैं हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री को जोहार करती हूँ। जोहार। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैया सम्मान योजना की लाभ उठा पा रही हूँ। अभी 2 महीना का राशि मिल गया है मुझे और उसके साथ मेरे सास ससुर। दीदी, और ये आपके घर में और भी बेटी सब है? जी, मेरा अभी 2 जुड़वा बेटी है। तो मैं तो यही सोची हूँ कि आपका जो मैया सम्मान योजना का पैसा मिल रहा है उसको मैं अपने दोनों बेटियों के लिए हर महीना 500-500 जमा करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, और आपके लिए हर चीज के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। जैसे बिजली फ्री हो गया है और हम लोगों को बहुत सारे ऐसे सुविधा मिल रहा है जैसे पहले नहीं मिल रहा था, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और आपको बहुत बधाई। आप हमेशा आगे इसी तरह बढ़ाते रहिए हम लोगों को, इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दीदी। जोहार जोहार जोहार। क्लास से मैं अपने पढ़ाई लिखाई के लिए पुस्तक, कॉपी, ड्रेस इन सब में खर्च की। आगे पढ़ के क्या बनना चाहते हो बताओ? आगे पढ़ के मैं टीचर बनना चाहती हूँ। चलो, तुम गुरुजी क्रेडिट कार्ड ली हो? एक गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम लोग चालू किए हैं, उसको लो। कल तुमको जो भी ऊंची पढ़ाई करनी है और उसमें जितना खर्चा लगेगा 15 लाख रुपया तक का सहायता बैंक आपको करेगी। कोई आपको बंधक रखने का किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? जी सर जी। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत इन सब लाभ मुझे मिला इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। चलो, धन्यवाद। जोहार जोहार जोहार। मेरा नाम संतोष क्रिकेटा है, ग्राम बेलगढ़, पंचायत जोगबहार और प्रखंड सिमडेगा से आता हूँ सर। मुझे वर्ष 2019-20 में आपकी ही योजना के अंदर बिरसा आम बागवानी योजना मिली है। आम के तहत मैंने 2.5 एकड़ आम फलने लगा कि नहीं आपके बाग इसमें? 2021 से फलने शुरू हो गया है सर, जिससे कि 15-20 हजार रुपया की आमदनी होने शुरू हुई थी 2021 में और जो वही लगातार बढ़ते ही जा रही है। चलो, बहुत बढ़िया, उसको बढ़ाओ और भी बढ़ाओ। जी जी, उसके चारों ओर आम बगान के चारों ओर इमारती लकड़ी भी लगाई, इमारती पेड़ भी लगाई गई है। वाह। जो कि अब मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय के द्वारा रिमोट का बटन दबाकर योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, जोरदार तालियां आप सभी की ओर से हो। का शिलान्यास 587 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से और 84 योजनाओं का उद्घाटन लगभग 147। आज यहाँ आए हुए सभी माता बहने को जोहार। आज आपको याद है कि नहीं, मैं याद दिलाता हूं कि ये जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम है, इस सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ हमारा ये वीर भूमि उलीहातू से ही हमने शुरू किया था 2021 में, कि हमारी जो सरकार है, जो हम हमेशा कहते हैं कि हमारी जो सरकार है ये रांची से नहीं बल्कि गांव से चलने वाली सरकार है। और इस विषय पर पदाधिकारी काम करते हैं कि नहीं करते हैं, इसको हम समय समय पर देखने के लिए पूरे राज्य में भ्रमण करते हैं। और आज
सरकार आपके द्वार का चौथा चरण को लेकर हम यहां खूंटी और सिमडेगा के सीमावर्ती क्षेत्र पर हैं, क्योंकि दोनों जिला से लोगों को एक जगह इकट्ठा करना था, इसलिए बीच की जगह ये चुनी गई है। जो आपने हमें 2019 में जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी का हम निर्वहन कर रहे हैं। आप लोगों ने राज्य का मुखिया बनाया, 2019 से आज तक कई चुनौतियां हमने देखी, और आपको याद होगा कि हमारे सरकार बनते ही पूरा देश दुनिया में कोरोना जैसा महामारी छा गया। 2 साल तो मेरा पूरा कोरोना खा गया, साल तो साल खा गया, हमारे दो दो मंत्री को भी वो खा गया। लेकिन हम लोग रुके नहीं, हम लोग काम करते रहे, करते रहे, करते रहे, और हमने पहले भी कहा था कि हमारा ये सरकार रांची से नहीं, गांव से चलने वाला सरकार है, और गांव गांव, पंचायत पंचायत, कई ऐसे इस राज्य में गांव है, पंचायत है, टोला है, व्यक्ति है जो ब्लॉक कार्यालय कभी नहीं देखा, बीडीओ सीओ कौन है कभी नहीं जानता, डीसीएसपी का ऑफिस और डीसीएसपी कौन है ये तो गांव देहात का कमे लोग जानता है। तो हमने ये निर्णय लिया कि अब ब्लॉक कार्यालय, डीसी ऑफिस और डीसीएसपी को जानने का जरूरत नहीं, बल्कि डीसीएसपी, बीडीओ, सीओ को आपको जानने की जरूरत है, और आपके गांव गांव, पंचायत पंचायत में हमने उनको भेजने का काम किया। आने को आपको पता है 2021 का पहला पंचायत शिविर जब लगा तो इस राज्य में 50 लाख से अधिक समस्याओं के आवेदन हमारे पास आए, उन आवेदनों का भी समस्या का समाधान हुआ, कई स्थानीय स्तर पर हुआ, कई हेडक्वार्टर के स्तर पर हुआ, कई सरकार के स्तर पर हुआ। आज इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले इस राज्य के बूढ़े बुजुर्ग जो 2 वक्त के अनाज के लिए बेचारे तड़पते थे, कोरोना जैसा महामारी 2 साल तक रहा, इस राज्य में एक भी व्यक्ति को हमने भूख से नहीं मरने दिया, वो सब आप लोगों के मदद से हुआ है। मुझे याद है वो दिन जब इस राज्य की हमारी महिला दीदी सरकार के आदेश के अनुसार गांव गांव, पंचायत पंचायत में खाना बना बना करके गरीब गुरुआ लोगों को फ्री में खाना खिलाने का काम करता था, और उसी समय हमने संकल्प लिया कि इस राज्य की आधी आबादी को हम मजबूत करेंगे, उनको सशक्त करेंगे, और हम लोगों ने इस काम के लिए कदम बढ़ाया। आप लोग पूरा घर द्वार चलाते हैं, आज आपको मजबूत करने का हमारा संकल्प है, हमने वो मजबूती शुरू कर दी है। आप महिला सम्मान योजना का पहला नहीं, दूसरा किस्त भी हमको लगता है कई लोगों के खाते में जा चुका है। दूसरा किस्त पहुंचा कि नहीं? पहुंच गया। बहुत लोगों का खाता कोई डाकघर में खोला है, कोई बहुत पहले खोला है, उस सब नहीं, बंद हो गया है, उस पर पैसा नहीं जा रहा है। हम प्रशासनिक पदाधिकारी डीसी साहब से बोलना चाहेंगे कि जितने भी ऐसे खाता हैं, उन सभी खाता को जल्दी से जल्दी एक्टिव करा करके इनका खाता में पैसा पहुंचाने का काम किया जाए।
क्या नाम, क्या नाम है? चला। कितना दूर है तुम्हारा घर स्कूल से? कितना दूर है? चलो बाबा आराम से जाना साइकिल, ठीक है? मिल रहा है सवित्रा जिंदाबाद जिंदाबाद।